सो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक शिपिंग लॉजिस्टिक सॉल्यूशन के बारे में, और जो कि एक कुरियर एग्रीगेटर भी है और आपने उसका नाम सुना भी होगा, जिसका नाम है shipway.com। देखिए दोस्तों, ई कॉमर्स की इंडस्ट्री बहुत ही वास्ट है। यहाँ पे शिपिंग का अगर रोल हम लोग देखें तो ये इंटीग्रल पार्ट है। इसको हम लोग अगर प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, इसको अगर हम लोग प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं, तो हमारा जो लॉस है बिजनेस में वो बहुत ही डिक्रीज हो जाता है और हमें प्रॉफिट मिल सकता है प्रॉपर वे से। कहने का मतलब ये कि इसको मैं आज रिव्यू करने का जो मतलब है वो यही है कि इन्होंने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं एक्चुअल में रियल टाइम ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में जो फेस होते हैं हमारे जैसे सेलर्स को, इन्होंने वो सॉल्व किए हैं। इस ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में अगर ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाता तो ये बहुत ही बड़ा इशू हमारा सॉल्व हो जाता है। बिकॉज एक ऑर्डर की जो जर्नी होती है वो शिप होने के बाद में, पैक होने के बाद में, ट्रैक होने के बाद में, जब तक वो ऑर्डर डिलीवर नहीं होता तब तक वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं माना जाता। अगर वो डिलीवर नहीं होता है तो उसमें हमें रिटर्न के चार्जेस, रिवर्स शिपिंग के चार्जेस वो पे करने पड़ते हैं और इसके वजह से अल्टीमेटली लॉसेस इनकर्ड होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं शिपवे को, शिपवे ने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। इन्होंने बहुत सारा काम किया है अपने प्लेटफॉर्म पे, तो वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या फीचर्स इन्होंने प्रोवाइड इनके प्लेटफॉर्म में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे shipway.com पे। तो इसकी जो लिंक है दोस्तों मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहां पे जाके आप देख सकते हो। 5-in-1 शिपिंग ऐप ये बोल रहा है, व्हाई जगल विद 5 डिफरेंट एप्स, रिप्लेस ऑल विद shipway 1 फॉर योर ई कॉमर्स। देखिए, कुरियर एग्रीगेशन हो, शिपिंग इंटेलिजेंस हो, या फिर ट्रैक नोटिफिकेशन की समस्या हो, या फिर रिटर्न और एक्सचेंज हो, 5-in-1 प्लेटफॉर्म बनाया है। जो अलग अलग एप्स यूज ना करते हुए ऑल इन वन प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि मैंने व्हाट्सएप मार्केटिंग के वीडियो में आपको बताया था कि ऑल इन वन व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल जैसे कि SMS आइडिया था, सिमिलरली shipway 1 ऑल इन वन कुरियर एग्रीगेटर प्लस लॉजिस्टिक सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो ई कॉमर्स का जितना भी शिपिंग का काम है वो हम लोग इजिली वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे लेंस कार्ड भी इनके साथ में काम कर रहे हैं, उगाऊ, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे अमेजोन पे, उगाऊ भी एक ब्रांड है जो अपने खुद की वेबसाइट से जो काम करता है वो पूरा का पूरा शिपिंग का जो जितना भी काम होता है उनका वो shipway से ही जाता है। पी सेफ करके एक ब्रांड है, द ट्राइब करके है, तो ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हम लोग उनके बारे में नहीं जानेंगे अभी। तो D2C ग्रोथ के बारे में क्या बोलता है, हायर कस्टमर रिटेंशन, इंक्रीज कस्टमर LTV, लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, लेसर रिटर्न्स। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग अभी शिपिंग इंटेलिजेंस के बारे में जान लेते हैं। प्रोसेस ऑर्डर्स फ्रॉम मल्टीपल सेल्स चैनल्स एंड मार्केट प्लेसेस। जैसे कि हम लोग अलग अलग मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं तो हमें सबसे बड़ा जो इशू होता है दोस्तों वो ये होता है कि उनको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म पे सेल करने के बाद में, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, हमारी खुद की वेबसाइट या फिर कोई भी अन्य प्लेटफॉर्म हो, इन प्लेटफॉर्म के सेल करने के बाद में हम लोग इनका जो शिपिंग मैनेजमेंट है वो कैसे करेंगे। तो वो यहाँ पे हो सकता है shipway पे ऑल इन वन सभी प्लेटफॉर्म्स को हम लोग एक ही जगह पे इंटीग्रेट करके पूरा का पूरा शिपिंग का जितना भी वर्किंग है वो हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। ऑटोमेटिक पैकेज एंड कैरियर एलोकेशन यहाँ से होता है। इंप्रूव ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड बाय 50%। जैसे कि इनका सिस्टम जो है वो जो AI है, जो ML इनका काम करता है, ये प्रॉपर वे से वर्क करता है और इसकी वजह से ये कमिट करते हैं कि हम लोग ऑर्डर फुलफिलमेंट जो स्पीड है वो 50% से इंक्रीज कर सकते हैं। एक एक मिनट में दोस्तों 1000-1000 इनवॉइसेस, 1000-1000 शिपिंग लेबल हम लोग यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। जनरेट थाउजेंड्स ऑफ शिपिंग लेबल इनवॉइसेस इन फ्यू क्लिक, जैसे कि मैंने आपको बताया। ब्रांडेड ट्रैकिंग एंड नोटिफिकेशन, ब्रांडेड व्हाट्सएप, ईमेल, SMS डिलीवरी अलर्ट। जब भी कोई ऑर्डर फुलफिल होता है, ऑर्डर डिस्पैच होता है, तो जो बीच का जो टाइम रहता है जिसके बीच में, जिसको हम लोग इसमें भी बोलते हैं वेयर इज माई ऑर्डर, जो कस्टमर्स को नोटिफिकेशन जानी चाहिए वो 3 वे से जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक व्हाट्सएप से भी जाती है, एक SMS जाता है और एक जाता है ईमेल। तो 3 वे से SMS जाने के बाद में, ईमेल जाने के बाद में, व्हाट्सएप जाने के बाद में, तो कस्टमर अवेयर रहता है कि मेरा ऑर्डर कहाँ पे है। वो ऐसा अनअवेयर नहीं रहता है, उसको ऐसा डर नहीं रहता है कि भाई ऑर्डर कहाँ पे पहुंचाऊंगा, मेरे को ट्रैक करना पड़ेगा, ऐसा वैसा। जो सेमी रियल टाइम की जो डिलीवरी की नोटिफिकेशन है, ऑन ट्रांजिट की जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपरली जाती है, जिसकी वजह से वो निश्चित रहता है। ठीक है, इससे क्या बढ़ता है, इससे ट्रस्ट लेवल बढ़ता है, इससे लेजिटिमिटी बढ़ती है, इससे लॉयल्टी बढ़ती है हमारे बिजनेस की। अलाउ कस्टमर्स टू ट्रैक ऑन योर वेबसाइट इंस्टेड ऑफ कैरियर वेबसाइट। तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद में दोस्तों हम लोग अपने वेबसाइट्स पे भी इसका जो ट्रैकिंग है वो रख सकते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन होने के बाद में सब कुछ ये फीचर हम लोग यूज कर सकते हैं। सपोर्ट मल्टी लैंग्वेज एंड रीजनल कैरियर्स, अगर किसी को इंग्लिश नहीं समझती है तो वो हम लोग हिंदी में भी वो जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं शिपिंग की। देन उसके बाद में रिड्यूस वेरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिड्यूस वेरीज माई ऑर्डर कॉल्स अप टू बाय 80%। तीन टाइप की नोटिफिकेशन जाने के बाद में कोई भी जो कस्टमर है वो तो आश्वस्त रहेगा उसके बारे में कि जो मेरा ऑर्डर है वो प्रॉपरली आने वाला है। उसके बाद में कुरियर एग्रीगेशन ने दिया एक्सटेंसिव रीच विद द प्रेजेंस अक्रॉस 29,000 प्लस पिन कोड्स। दोस्तों पहले जो प्लेटफॉर्म्स आए थे, कुरियर एग्रीगेटर्स आए थे, उन्होंने 20,000 प्लस पिन कोड्स यहाँ पे अवेलेबल थे, अभी 29K हो गया है। तो आप सोच सकते हो कि कहाँ कहाँ पे रीच नहीं होंगे इनके। 29,000 प्लस पिन कोड्स बोले तो ऑल ओवर द इंडिया भी कवर हो जाता है इसमें, और ऐसे पार्ट्स जो कवर नहीं होते थे पहले हमारे कुरियर एग्रीगेटर्स में वो भी कवर होने लगे। तो एश्योर्ड पिकअप विद इन 24 आवर फॉर फास्ट डिलीवरी, या एश्योरिटी देते हैं पिकअप्स की कि आप अगर आज शेड्यूल करते हो तो विद इन 24 आवर्स वो पिकअप हो जाता है, आज नहीं तो कल वो 100% हो जाता है, जिससे कि फास्टर डिलीवरी होती है कस्टमर्स को।
उसके बाद में क्विक रेजोल्यूशन टू वेट डिस्क्रिपेंसीज डिस्प्यूट, ये सबसे बड़ा इशू माना जाता है दोस्तों ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री में। अगर हम लोग कुरियर एग्रीगेटर्स यूज करते हैं बेसिकली, तो इसमें क्या होता है, हम लोग वेट अलग डाल देते हैं, हम लोग वॉल्यूमेट्रिक अलग डालते हैं, हम लोग एक्चुअल वेट अलग डाल देते हैं, और उसके बाद जो वेट डिस्क्रिपेंसी है वो आती है। अगर हमारे वेट में और जो शिपिंग कंपनी ने जो कुरियर का वेट मेजर किया है उसमें अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आया तो वो हो जाती है वेट डिस्क्रिपेंसी, जिसकी वजह से हमें चार्जेस बैठते हैं, हमें पेनल्टीज बैठती है। क्विक रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो बेसिकली हमारे लिए वो अच्छा है। उसके बाद में हाई ऑन टाइम परफॉर्मेंस विद डेडिकेटेड पीओसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये प्रोवाइड करते हैं। ये बाकी प्लेटफॉर्म्स में मैंने कभी नहीं देखा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो रहता है उनका जो सपोर्ट सिस्टम रहता है, जो सपोर्ट रहता है, कॉल सपोर्ट का जो इशू रहता है वो रहता ही रहता है। उसमें कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिलता है जल्दी से जल्दी, जिससे कि हम अपना बिजनेस रैपिडली ग्रो कर पाए, जो रेजोल्यूशन टाइम है वो डिक्रीज हो पाए। रिटर्न एंड एक्सचेंज में अच्छा खासा काम किया इन्होंने, ब्रांडेड डीआईवाई रिटर्न पेज, हम लोग अपना एक डेडिकेटेड रिटर्न पेज हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। कस्टमर भी अवेयर हो जाता है, कस्टमर को भी हेक्टिक नहीं होता है रिटर्न करने में कोई भी पैकेज। उसके बाद में रिटर्न पैनल्स टू अप्रूव रिजेक्ट रिफंड्स एंड एक्सचेंज रिक्वेस्ट, अलग अलग पैनल्स दिए हैं, हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में। शिपवे का जब हम लोग लिखेंगे डैशबोर्ड देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि रिटर्न पैनल इन्होंने कैसा डिजाइन किया है। उसके बाद में ऑटोमेटेड रिवर्स पिकअप विद क्यूसी, क्वालिटी चेक होने के बाद भी रिवर्स पिकअप इनके कंडक्ट होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। अगर वो प्रोडक्ट हमने भेजा है, अगर सेम ही प्रोडक्ट है तो देन इट विल बी रिवर्स, बट अगर वो प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं है, वो डैमेज्ड है, या फिर कहीं से लग रहा है कंपनी को कि ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट हम लोगों को भेज रहे हैं, तो उसके उस केस में क्यूसी होता है और वो रिवर्स पिकअप भी कैंसिल हो सकता है, जिससे कि हमें लॉस ना हो। ठीक है, इंस्टेंट सीओडी एंड प्रीपेड रिफंड्स एट डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस पे ये जूडी के जो रिफंड्स है वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें भी अच्छा खासा काम किया है शिपवे ने। रिड्यूस योर 15 डेज रिटर्न साइकिल टू 5 डेज, 5 डेज की रिटर्न साइकिल हम लोग यहाँ से रख सकते हैं, और इससे कि हमें लॉस कम होता है बट कस्टमर को इक्वली बेनिफिट्स मिलते हैं। COD फ्रॉड डिटेक्शन, ऑटो डिटेक्ट रिस्की ऑर्डर्स विद हाई चांसेस ऑफ फ्रॉड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि फिशी ऑर्डर्स है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। OTP IVR कॉल एंड WhatsApp बेस्ड COD ऑर्डर कंफर्मेशन, WhatsApp पे ऑटोमेटिकली कंफर्मेशन जाता है कि आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो चुका है। उसके बाद में OTP जाता है, उसके बाद में IVR कॉल जाता है, उसके बाद में ही वो पिकअप हो या फिर रिटर्न। उसके बाद में कन्वर्ट रिस्की सीओडी ऑर्डर्स टू प्रीपेड, सीओडी का कोई ऑर्डर आता है, सीओडी का ऑर्डर आने के बाद में जब वो नियर बाय होता है कस्टमर्स के, तो कस्टमर्स को नोटिफिकेशन जाती है, जैसे मैंने बताया आपको SMS, WhatsApp एंड ईमेल। WhatsApp पे जो नोटिफिकेशन जाती है उसमें एक लिंक रहती है, जिससे कि कस्टमर पहले ही उसको उसका जो सीओडी का जो पेमेंट है, जो ऑर्डर का पेमेंट है, वो पहले ही कर दे सकता है, प्रीपेड कर सकता है, जिससे कि सीओडी कलेक्ट करने के हेक्टिक ना रहे बिजनेस को और वो ऑटोमेटिकली प्रीपेड हो जाए। बहुत सारे ऐसे रिपीटेड कस्टमर्स रहते हैं जो रिपीटेडली ऑर्डर करते हैं और जो सस्पिशियस भी रहते हैं बेसिकली, जिनका रिटर्न रेशियो भी ज्यादा रहता है, तो उनको डायरेक्टली हम लोग ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि ऑर्डर दोबारा जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली रेड अलर्ट हमें आ जाता है कि ये जो रिपीटेड कस्टमर है ये सस्पिशियस है, ये फिशी है, जिससे कि हम लोग उसको ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। रिड्यूस चांसेस ऑफ RTOs एंड ऑपरेशनल लॉसेस बाय अप टू 30%। इतने फीचर्स मिलने के बाद में, इतना काम करने के बाद में दोस्तों, जाहिर सी बात है कि 35% 40% तक हम लोग रिटर्न रेशियो हम लोग कम कर सकते हैं। इंटीग्रेशन पार्टनर्स इजिली कनेक्ट विद द टूल्स दैट यू ऑलरेडी यूज, इसमें बहुत सारे अलग अलग टूल्स दिए, मैजेंटो हो, Shopify हो, है ना, यूनिकॉमर्स हो, इन्वेंटरी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं, तो जो इन्वेंटरी रहते हैं ना वो डिवाइड हो जाती है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, और वो कहाँ पे शो होता है हमें, वो होता है यूनिकॉमर्स पे। यूनिकॉमर्स की मदद से हम लोग इन्वेंटरी मैनेज कर सकते हैं, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म की इन्वेंटरी है वो सिंगल प्लेटफॉर्म पे वो मैनेज होती है, जो कि है यूनिकॉमर्स, और यूनिकॉमर्स को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं शिपवे के साथ में। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर मुझे लगा इनका, मैजेंटो के साथ, उसके बाद में वूकॉमर्स के साथ में, और अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है इनके साथ में इनका इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे आप आ सकते हो shipway.com पे और व्यू ऑल इंटीग्रेशन पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो कि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स कैसे इंटीग्रेट होते हैं। 500 मिलियन से ज्यादा नोटिफिकेशन इन्होंने सेंड कर दी है और डेली शिपमेंट इनका 2 लाख के ऊपर रहता है। उसके बाद में चलते हैं थोड़ा सा दोस्तों इनके प्लेटफॉर्म की तरफ में, थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि प्लेटफॉर्म कैसा है। यहाँ पे हम लोग डैशबोर्ड देख सकते हैं, ऑर्डर्स का एक सेक्शन है, है ना, व्यू ऑर्डर्स, बल्क ऑर्डर, इम्पोर्ट, होल्ड, ऑन होल्ड ऑर्डर्स, इसके बाद में RTO ऑर्डर्स, SLA ऑर्डर्स, फुलफिलमेंट ऑर्डर्स, ये सब कुछ हम लोग यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक में शिप ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस, रिटर्न्स में व्यू ऑर्डर्स, पिकअप फेल्ड रिपोर्ट, इंटीग्रेशंस, रिफंड, NDR जो रहता है ना, नॉन डिलीवरी रिपोर्ट, अगर कोई भी ऑर्डर डिस्पैच होता है और वो डिलीवर नहीं हो पाता है तो 2 से 3 बार हम लोग उसको रीअटेम्प्ट करवा सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, शिपवे से, और वो डिलीवर हो जाता है एक हाथ बाद। कहीं कहीं पे क्या होता है दोस्तों, कहीं कहीं पे कस्टमर अनअवेलेबल होता है, कहीं कहीं पे कस्टमर फोन नहीं उठाता है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस केस में क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर है वो रिटर्न आ जाता है। तो ये रिटर्न ना आए और रीअटेम्प्ट हो हमारे कुरियर एग्रीगेटर के थ्रू, तो इसके लिए डेडिकेटेड NDR का इन्होंने सेक्शन दिया है, जिसमें हम लोग प्रॉपरली देख सकते हैं कि NDR
जो हुए हैं ऑर्डर और डिलीवर हो चुके हैं वो क्यों नहीं हुए, उसका रीजन क्या था और कितने रिटर्न आ रहे हैं। तो इससे हमारा जो लॉस है वो बेसिकली डिक्रीज हो जाता है। सीओडी का जो रिकंसिलेशन है वो हम लोग यहाँ से प्रॉपर कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स में वॉलेट रिचार्ज, रेड कार्ड, बिलिंग और पूरा यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली दिया है दोस्तों। तो ऐसे जो तीन चार जो यूएसपी इन्होंने फाइंड आउट करके निकाली है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। सो दोस्तों आप ट्राई कर सकते हो शिपवे और बहुत ही बढ़िया ये प्लेटफॉर्म मुझे लगा। यहाँ पे आके आप अपना पूरा जितना भी काम है वो ऑटोमेशन पे कर सकते हो, जितना भी शिपिंग का काम हो, सीओडी रिकंसिलेशन हो, उसके बाद में जितना भी कुरियर का वर्किंग है वो प्रॉपरली आप यहाँ पे आके ऑटोमेट कर सकते हो। तो ट्राई करिए शिपवे एंड अपने बिजनेस को अच्छी खासी अच्छा खासा बूस्ट दीजिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। आपको अगर शिपवे ट्राई करना है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आपको कुछ ना कुछ वैल्यू इस वीडियो से मिली होगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।